नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ध्रुव पटेल है। मैं स्पाइन सर्जन हूँ, एपिक हॉस्पिटल में काम करता हूँ। आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के दिन मैं आपको एक ऐसे आर्थराइटिक डिजीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसको बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। अभी ये रोग के अंदर ज़्यादातर शरीर के मध्य के जो सांधे होते हैं, जोड़े होती है, उसके अंदर आर्थराइटिस होता है, जिसमें मेनली स्पाइन यानी मनके और सैक्रोइलिक जॉइंट और हिप के जॉइंट में उसका ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है। अभी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस के अंदर मरीज को ज़्यादातर कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, शरीर में जकड़नपन वैसा सब होता है। जकड़नपन ज़्यादातर सुबह होती है, जब पेशेंट मरीज सुबह उठता है तब ज़्यादा होती है। जब दिन की सब प्रतिक्रियाएँ करते हैं तो धीरे धीरे उसका दर्द और जकड़पना थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। अभी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस के अंदर मनके के आगे और पीछे उसको स्टेबिलाइज करने के लिए जो मांसपेशी होती है, लिगामेंट होती है, उसके अंदर एक्स्ट्रा हड्डी बनना चालू हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर स्टिफनेस आ जाती है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस को जांच करने के लिए ब्लड टेस्ट में HLA-B27 पॉजिटिव होता है और एक्सरे में देखेंगे तो हर एक मनका एक दूसरे चिपक गया होता है, जिसको हम लेम्बू स्पाइन बोलते हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस की ट्रीटमेंट में मेनली दर्द कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स, ये सबसे उसका इन्फ्लेमेशन कम होता है और उनका दर्द कम हो जाता है। कुछ कुछ मरीज को जिसमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस के कारण जब स्पाइन ज़्यादा बेंड हो जाता है तो हम उसमें सर्जिकल करेक्शन करते हैं, जिसमें बड़ी सर्जरी होती है, जिसमें स्पाइन जहाँ से ज़्यादा बेंड हो गया वहाँ से हम उसको सीधा करके उसको स्पाइन को सीधा कर देते हैं। धन्यवाद।